33 में कितना जमा करना है, 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला अंक देखो 3, ये हो गया 36 गुना 3 108, यहां लिख दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक लेके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम लोग किसी भी दो डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर उसका यूनिट डिजिट 3 हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर निकालेंगे किसी भी दो डिजिट वाली संख्या का जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 3 हो। अब इस तरह की संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, सबसे पहले 13, 33, 43, 53, 63, 73 और 93 यानी 93। तो इन सभी संख्याओं का हम लोग स्क्वेयर किस तरह से ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, वो है इसका इकाई का अंक, वो है 3। तो इसमें जो इकाई का अंक यहां पे आएगा वो सब में 9 आएगा, यहां भी 9, 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 यहां यहां पे, और इन सभी में ये चीज कॉमन है कि जब हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो इसका इकाई का अंक 9 आएगा। अब आगे वाले नंबर्स कैसे निकालने हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले मान लीजिए हम 13 का स्क्वेयर कर रहे हैं, ओके। अब लास्ट का नंबर हमें पता है कि 9 आएगा, बट आगे वाली संख्या कैसे आएगी, आपने क्या करना है, जो ये नंबर है 13 है इसमें आपने 3 ऐड करना है, ठीक है। 3 ऐड कर दिया, उसके बाद जो इसका पहला अंक है, जो इसका पहला अंक है यानी जो 1 है उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 13 जमा 3 ये हो गया 16, 16 गुना 1 यह गया 16, ओके। इस 16 को यहां लिख दो, 13 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो 23 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो लास्ट में तो पता 9 आएगा, बट आगे वाली संख्या कैसे आएगी, देखो 23 में 3 ऐड करो, 3 आपको सभी में ऐड करना है, उसके बाद जो उसका आगे वाला अंक है उससे मल्टीप्लाई करना है। यहां पर 1 था, यहां 2 है, 23 गुना 3 हो गया 26, 26 गुना 2 हो गया 52, लिख दो यहां पे। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 आ गया। अब 33 का निकालते हैं, ये देखो 33 का स्क्वायर, लास्ट में पता 9 ही आएगा। अब 33 में कितना जमा करना है, 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला अंक देखो 3, ये हो गया 36 गुना 3 108, यहां लिख दो, आ गया 33 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट है 43, इसका स्क्वायर 43 में 3 ऐड कर दो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो गया 46 × 4 ये हमारा आएगा 184, यहां लिख दो, आ गया ना आपके पास स्क्वायर। अब आगे करते हैं 53 का, ये देखो 53 ऐड क्या करना है, 3, वो सभी में 3 ऐड करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, जो आगे वाला नंबर है, ये आपका हो गया 56 × 5 ये आपके पास आ गया 0 28 यानी 280, लिख दो यहां पे, आ गया 53 का स्क्वायर। अब है 63, 63 में 3 ऐड करो और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, हो गया 66 × 6 ये हमारा हो गया 396, लिख दो यहां पे, ओके। बहुत ही इजी ट्रिक है। अब बाकी के जो नंबर्स बचे हैं इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब है हमारा 73, 73 में 3 ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, हो गया 76 × 7 ये हमारे पास आ गया, देखो यहां 42 और
ये आ गया 53 यानी 532, लिख दो यहां पे। नेक्स्ट हमारे पास 83 का स्क्वायर, 83 में 3 ऐड कर दो और इसको मल्टीप्लाई करो 8 से, ये हमारा हो गया 86 इंटू 8 और ये हमारा हो गया देखो 868, 688 यहां लिख दो, आ गया हमारे पास 83 का स्क्वायर। अब है हमारा लास्ट 93 का स्क्वायर, इसको निकालते हैं। नाइन्टी थ्री में 3 ऐड करो और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, जो हो गया 96 इंटू 9, ये हमारा हो गया देखो 4 और 86, लिख दो यहां पे, आ गया 93 का स्क्वायर। तो इस ट्रिक का यूज करके आप लोग किसी भी दो डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो जिसका यूनिट डिजिट 3 हो। ऐसी हमारे पास ये 9 ही संख्या है, एक है 13, 23, 43, 53, 63, 83 और 93। ओके, तो यही थी हमारी आज की ट्रिक। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और इजी लगी होगी, आपने इस ट्रिक से कुछ नया सीखा होगा। अगर ये ट्रिक आपको थोड़ी सी भी टाइम सेविंग लगती है, यूजफुल लगती है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा और इसी तरह की और यूजफुल ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और एस्पिरेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को एक नए वे में और इजी वे में सीख पाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ।